हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कॉलेट आईडी स्पेन, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है और इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। अगर आपके फ़ोन में ऑफ है तो आपको भी ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अनकाउंट ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस अनकाउंट नंबर क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो नंबर सेफ नहीं है आपका वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, उन नंबरों से आपकी कॉल नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को ब्लॉक करना है, आपको पर्सनल कॉल ब्लॉक करनी है, तो आपको ऐड अ नंबर पर क्लिक करना और उसका नंबर यहाँ पर डाल देना और यहाँ से उसे ब्लॉक कर देना है। तो ये बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हमें कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको SIM 1 पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको फिर डायलिंग नंबर पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से फिर डायलिंग नंबर कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग करनी है तो आप यहाँ से वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं। टर्न ऑफ ऑन वीडियो कॉल, अगर आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है तो आप यहाँ से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है कि आप किसी नंबर की कॉल आप अपने नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कॉल वेटिंग है, यहाँ पर आपको एडनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शर्ट वे पे क्लिक कर देना है। तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो वही जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, तो आप फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या लास्ट नेम से, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नेम रिप्लेस पे क्लिक करना और इन ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना है। अगर आपके फ़ोन में ऑफ है तो आपको ऑन कर देना है। तो कहीं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है क्विक रिस्पॉन्स, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपके पास गाइस किसी व्यक्ति की कॉल आती है और आप उसकी कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, किसी काम में बिजी होती है, तो बाद में जब आप फ्री हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ से लेटर भेज सकते हैं या SMS भेज सकते हैं। तो गाइस वे कर रहते हैं। वे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हमें वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको अपने नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अपना फोन रिंगटोन, अपने अलार्म रिंगटोन, जो भी आपको अपना वॉल्यूम साउंड चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि अपने किसी नंबर पर वॉइस मेल भेजनी, तो आपको ऐड इसमें सेटिंग पर क्लिक करना और सर्विस नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना है वॉइस मेल पर। नंबर डालने के बाद जिसको आपको वॉइस मेल भेजनी है उसका नंबर डाल के इसे ओके कर देना। तो वह इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो ये बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट। फ्लिप टू साइलेंट पे क्लिक करने के बाद जब एक ऑप्शन ऑन हो जाता है हमारा, तो फ्लिप टू साइलेंट क्या होता है, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही है और आपका फ़ोन जो है सीधा है, अगर आप अपने फ़ोन में यानी कि फ्लिप कर देते हैं यानी कि उल्टा कर देते, तो आपके फ़ोन जो है रिंगटोन बंद हो जाती है और फ़ोन आपका आता रहता है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।